Good morning, friends. Again, I am welcome to the next session of the same title, that is Health and Disease. बड़ा चैप्टर है, अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू हम अलग अलग डिसीजेस के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लास्ट टाइम या फिर कल के क्लास में हमने पढ़े थे एस्केरियसिस के बारे में, जो कि एक लाइफ साइकिल के साथ में सिंगल होस्ट को यूज करके अपने किसी भी हेल्थी पर्सन को इन्फेक्शन स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट था. आज हम थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट डिसीज इसके ऊपर चलेंगे, जिसमें खास करके एप्लीकेशन बेसिस पे देखेंगे. द टाइटल इज गिवन एज कैंसर. ठीक है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर का फैटल डिसीज कंसिडर किया जाता है, डेंजरस डिसीज में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है. आप लोगों ने बहुत सारे पेपर्स में या फिर किसी मीडिया में या फिर किसी न्यूज चैनल्स में आपने सुने होंगे कि कैंसर पूरी दुनिया में इतने जल्दी से इतने स्पीड के साथ में फैला रहा है, या फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे. हर किसी 100 लोगों के बीच में अगर देखेंगे तो 5 या 10 या फिर 15 या 20 नंबर्स में आपको कैंसर के पेशेंट्स मिल रहे हैं. इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली ये हमारे पूरे सोसाइटी में स्प्रेड होते जा रहा है, और इसीलिए शायद इसको वर्ल्ड का सेकेंड फैटल डिसीज कंसिडर किया जाता है. तो फिर हम वही डायमेंशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि एक्चुअली कैंसर होता कैसे है, किसको होता है, किस तरीके से होता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, या फिर उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, फिर उसके सिम्टम्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी पर्सन को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है. ये सभी चीजें हमको स्टेप वाइज मैनर में बतानी पड़ेगी. लेकिन सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इस डिसीज को एक स्पेशल नाम दिया है, कैंसर. आपने जोडेक साइन में अगर देखे होंगे, जहां पे हम हमारी राशि भविष्य देखते हैं, उस जोडेक साइन में भी एक कैंसर की राशि होती है. तो आपने देखे होंगे उस कैंसर के राशि में जो इंडिकेशन साइन है, जो एनिमल को वहां पे रिप्लेसअप किया गया है, वो कौन सा होता है वहां पे? तो आपने देखे होंगे इट इज क्रैब. तो स्पेशली क्रैब को कैंसर के साथ कैसे क्यों रिलेट किया गया होगा, ऐसा नाम क्यों दिया होगा? क्योंकि क्रैब नाम के एनिमल में जब आप उसकी फीडिंग हैबिट देखते हो, तो फीडिंग हैबिट में आपको ये पता लगता है कि इट विल टोटली एंगल विद दैट पर्टिकुलर प्रे. जो उसकी खाने की चीज होती है, जो उसके लोअर ग्रेड के एनिमल्स होते हैं, उनको वो क्या करता है, टोटली ग्रैब कर लेता है, एंगल कर लेता है, और इस तरीके से उसको एंगल करता है कि वो जो प्रे होता है वो उसके सराउंडिंग मीडियम से कंप्लीटली सेपरेट किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है. मतलब उसके बाकी एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ में उसको कहीं पे भी कॉन्टेक्ट में नहीं रखा जाता. जैसे बोल सकते हो कि सफोकेट करना, इतना जकड़ लेना कि फाइनली उसका कॉन्टैक्ट जो है उसके मीडियम से टूट जाता है. यही सेम चीज, इसी तरीके का पैटर्न कहीं ना कहीं इस डिसीज में भी हमारे बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी में दिखता है. अगर आप देखेंगे तो कैंसर में किसी भी तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज करने की कैपेसिटी नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का पॉइजन इससे रिलीज नहीं किया जाता. तो फिर ये हमारे लिए इतना फैटल क्यों है? तो जो मैंने अभी आपको प्रेइंग हैबिट बताया था क्रैब की, उसी तरीके का थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करके देखेंगे तो जब भी किसी बॉडी पार्ट में या फिर किसी सिस्टम में हमको कैंसर की कंडीशन दिखती है, तो इस तरीके से फैलता है, इस तरीके से वो डेवलप होता है कि उस ऑर्गन को कंप्लीटली सिस्टम के बाकी के ऑर्गन के साथ में वो कम्युनिकेट करने नहीं देता है. इट विल कंप्लीटली डिटैच, और यू कैन कंसीडर नॉट एग्जैक्टली द फिजिकली डिटैच, बट फंक्शनली इट इज डिटैच, सो इट विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. और इसीलिए वो जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो डिटैच किए जैसा हो जाता है, वो सेपरेट किए जैसा हो जाता है, बाकी बॉडी पार्ट से उसका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट या फिर हम देखेंगे फंक्शनल कॉन्टैक्ट नहीं बचता है. कैंसर अगर देखेंगे तो अभी तक ऑन्कोलॉजिस्ट की जो सोसाइटी है उनके तरफ से अप्रोक्सीमेटली 300 टाइप्स की कैंसर रिकॉग्नाइज है. ठीक है, 300 टाइप के कैंसर है, तो फिर इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो उनका एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि जिस बॉडी पार्ट में कैंसर लोकेट होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके हिसाब से नाम देंगे. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग बहुत बार सुनते भी है, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर नाम सुनते हैं क्योंकि उस रीजन में होता है, हम लंग कैंसर बोलते हैं क्योंकि वो लंग्स को कवर करता है, हम स्टमक कैंसर बोलते हैं, हम माउथ कैंसर बोलते हैं, हम ओरल कैंसर बोलते हैं. ये सब चीजें क्यों नाम से दिए जा रहे हैं? क्योंकि जिस ऑर्गन को वो टारगेट करेगा, जिस ऑर्गन में वो स्प्रेड होने लगेगा, जहां से उसका इनिशिएशन होता है, उस साइट के हिसाब से हम कैंसर के नाम देते हैं. बाकी डिसीजेस में और इसमें भी हम वही पैटर्न अप्लाई करेंगे कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट इज द कैंसर और नॉट.
तो कैंसर का रिकॉग्निशन होना या नहीं होना, जैसे अगर आप मलेरिया, डेंगू या फिर टाइफाइड की कंडीशन में क्या देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, अगर वो नियर अबाउट हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा राइज होता है तो हम सडनली बोलते हैं कि फीवर कंडीशन इज जनरेटेड, मींस समथिंग इज इनसाइड द बॉडी दैट विल कॉज द इन्फेक्शन, तो उससे हमको पता लग जाता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शियस कंडीशन है। तो वैसे ही कैंसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखो तो उसमें एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हमको मिलेगा दैट कैंसर कैन प्रोड्यूस ट्यूमर, ये इसका इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि किसी भी पर्सन को किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ऐसा कभी लगता है कि बॉडी में थोड़ी सी गांठ जैसी आ चुकी है, ट्यूमर जैसा स्वेलिंग जैसा पोर्शन एक मास दिख रहा है आपको, तो सडनली माइंड में एक डाउट आता है कि कहीं ना कहीं उस पर्सन को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। वो ठीक है कि मेडिकल डायग्नोसिस करने के बाद में उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अलग अलग ट्यूमर की कैटेगरी में, लेकिन सबसे पहले तो माइंड में डाउट क्या आता है अंदर कि ट्यूमर जैसे दिख गया है, हम लोग उनके माइंड में डाउट आ जाता है कि मे बी इट इज द कैंसर और नॉट। इसका मतलब कैंसर के रिकॉग्निशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्यूमर। अगर ट्यूमर दिखता है तो हम सडनली डाउट हो जाते हैं कि कहीं ये कैंसर के तो सिम्टम नहीं है, तो आपने भी ध्यान में रखना है कि ये ट्यूमर का आइडेंटिफिकेशन वहां पे होना चाहिए। दूसरी चीज, ट्यूमर क्यों जनरेट होता होगा, किस तरीके से जनरेट होगा और क्यों हम इसको कैंसर से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आंसर आप दे सकते हो। वो ये रहेगा कि कैंसर के कंडीशन में, मैं यहां पे नोट करने की कोशिश करूंगा कि कैंसर के लिए डिफाइन अगर करना है, उसको डेफिनेशन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम ये लिख सकते हैं इट इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और डिवीजन ऑफ सेल। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए हर चीज को क्लैरिफाई करना जरूरी है। कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल और यू कैन कंसिडर इट इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। एक एग्जांपल कंपेयर कर लेते हैं, समझ लीजिए कि बॉडी पार्ट में अगर स्किन को कहीं पे अगर कोई डैमेज होता है, कोई कट होता है, कोई इंजरी होती है, तो आप लोगों को नॉर्मली पता है कि जितना बॉडी पार्ट कट होगा 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो डिपेंड करता है उसकी रिकवरिंग कैपेसिटी कैसे है, उसके हिसाब से आप देखोगे 8 या 10 दिन के बाद में उतना ही स्किन का लेयर फिर से रिन्यू किया जाता है, उसको रिप्लेनिश किया जाता है। इसका मतलब अगर 100 सेल्स उस कट के दौरान, उस इंजरी के दौरान अगर डिस्टर्ब हुए होंगे, डिसअपियर हुए होंगे, डैमेज हुए होंगे, तो नए सेल्स कितने बनेंगे, 100 ही बनेंगे, उससे ज्यादा उसमें कभी भी नहीं होता है। इसको क्या बोलेंगे हम, इट इज द कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, मतलब एक लिमिटेशन के साथ में, एक डिसीजन के साथ में, या कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के साथ में, उतने ही नंबर्स के साथ, उतने ही साइज के साथ नंबर ऑफ सेल्स को हम ग्रो करेंगे, वहां पर डेवलप करेंगे। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सेल है जहां पे कैंसर डेवलप होने के चांसेस है, वहां पे सेल डिवीजन किस तरीके से होगा, अनकंट्रोल्ड होगा। अनकंट्रोल्ड मतलब 100 सेल्स अगर डैमेज हो गए तो उसके जगह पे कितने प्रोड्यूस होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे, लेकिन यहां पे देखेंगे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है और इसीलिए ट्यूमर कब फॉर्म होगा, पहले 100 सेल्स तक बनेंगे तो नॉर्मल दिखेगा, 100 के जगह पे अभी अगर 200 हो गया तो वो मास एनलार्ज हो गया, फिर 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स जो कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं, तो इट विल फ्रॉम द प्लेन सरफेस नाउ यू कैन हैव द सच टाइप ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन। तो इसको हम लिखेंगे ट्यूमर करके, यहां तक तो नॉर्मल ग्रोथ थी, यहां पे भी नॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन इसी जगह पे आप देख रहे हैं, इसी ऑर्गन में देख रहे हैं कहीं ना कहीं एनलार्जमेंट आपको दिखता है, तो वो जो स्वेलिंग होती है मास की, सॉलिड मास की जो स्वेलिंग होती है, उसको हम ट्यूमर बोलेंगे। इसीलिए क्या फिर हम किसी भी ट्यूमर को कैंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई करेंगे या नहीं, ये भी डाउट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों में तो ऐसे ट्यूमर्स दिखते हैं लेकिन वो कैंसरस नहीं होते, तो इसीलिए ऑन्कोलॉजिस्ट की टीम ने, की यूनियन ने क्या किया है, ट्यूमर्स को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है जिसको हमको पढ़ना है। ठीक है, कौन से दो कैटेगरी के ट्यूमर्स रहेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा, दो कैटेगरी में आपको मेंशन करना है, एक इसको लिखेंगे हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर और दूसरा लिखेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, अभी ये दोनों ट्यूमर को हम कैंसर के हिसाब से इंडिकेट करेंगे। नॉन मैलिग्नेंट का मतलब होता है इसको लिखा जाता है बिनाइन ट्यूमर और इसको लिखा जाता है कैंसर ट्यूमर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया,
अभी इन दोनों के डिफरेंसेस देखेंगे क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं, फिर हम लोगों को एक जनरलाइज आइडिया भी आ जाती है कि हम कौन से ट्यूमर को कैंसर ट्यूमर बोलेंगे। जनरली जो नॉन मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है उसको हम डायरेक्ट कैंसर करके नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर इज ऑलवेज रेस्ट्रिक्टेड बाय कैप्सूल। अभी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये एक बॉडी पार्ट है, प्लेन पार्ट है, यहाँ पे अगर कैंसर का जनरेशन स्टार्ट होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो ये लिमिट तक ग्रो करेगा, उसके बाद में इसकी ग्रोथ कभी भी हमको कंप्लीट होते हुए नहीं दिखेगी। अब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद में भी देखेंगे तो ये ट्यूमर आपको जितना ओरिजिनल साइज का बना था उतने ही साइज का दिखेगा। क्यों? जैसे हम इस रूम का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, लिमिटेशन है, इसके बाहर हम इसको स्प्रेड नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल को गिराना पड़ेगा। सेम चीज यहाँ पे, जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं इट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मींस इट हैज द सर्टेन स्पेसिफिकेशन, इट हैज सर्टेन लिमिटेशन, और वो लिमिटेशन किसके वजह से है, तो एक कैप्सूल के वजह से, तो कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, जिसके वजह से जो सेल का जो मास है वो यहीं पे ग्रो होते रहेगा, ठीक है, इस लिमिटेशन के बाहर वो नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे ये चीज लिखोगे तो उसके अपोजिट क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कहीं पे भी आप देखेंगे नो कैप्सूल यहाँ पे, ठीक है, इसमें कैप्सुलेशन नहीं होता है, इसमें कवरिंग नहीं होती है, और इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहां पे किसी ना किसी तरीके का कोई लिमिटेशन प्रोवाइडेड नहीं है। और अगर ये लिमिटेशंस नहीं है तो फिर आप देखोगे क्या होगा, इसके ऊपर का कवरिंग निकाल दीजिए, या भी इस साइज में है, फिर इस साइज में आएगा, फिर इस साइज में आएगा, फिर इस साइज में आएगा, और कंटिन्यूसली रिपीटेटिव मैनर में ग्रो होती जाएगा और फिर उसकी स्प्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों का आपने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, दोनों टाइप के ट्यूमर के फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन कंपलसरी है, सेल डिवीजन होना जरूरी है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो सकता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकता है। तो फिर दोनों में सेल डिवीजन का डिफरेंस क्या है, तो इसमें डिवीजन रेट हमेशा कैसे रहेगा, स्लो रहेगा, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इट हैज समवॉट रैपिड रेट और फास्टर रेट। मल्टीप्लीकेशन का जो टाइम होता है, जो डिवीजन का टाइम होता है वो ज्यादा होता है, इसके लिए ये बहुत ही स्लो ज्यादा टाइम लेते हुए ग्रो करेगा, लेकिन ये रैपिडली होता है। कम टाइम में अगर कंसीडर करो, एक सेल से 2 बनते हैं तो यहां पे क्या दिखेंगे, 1 से 1 ही बनेगा, ठीक है, और यहां से फिर 2 की जगह पे 4 बनते दिखेंगे, 8 बनते दिखेंगे, मतलब जितना टाइम 2 सेल बनने के लिए इसमें लगेंगे उससे कम टाइम में ये ज्यादा सेल्स बनाते जाएंगे, तो ये रैपिड टाइम के साथ में ये ग्रो करना शुरू कर देता है। समझ में आ गया यहां तक? फिर इसके बाद में हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, वो है मैकेनिज्म, पहले लिख देता हूं मेटास्टेसिस, ठीक है, इसको इनवेसिव कैपेसिटी बोलते हैं। मेटास्टेसिस एक्चुअली क्या होता है, तो इसके लिए अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, नो मेटास्टेसिस फॉर नॉन मैलिग्नेंट बट मेटास्टेसिस इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। तो मेटास्टेसिस मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग एबिलिटी। एक पार्ट है यहां पे ट्यूमर जनरेट होगा, ट्यूमर जनरेट होने के बाद में ये कंटिन्यूअसली विदाउट लिमिटेशन होने की वजह से ये ग्रो करते जाएगा, ग्रो करते 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 एक स्टेज में ऐसा आता है कि वो हैंगिंग पोजीशन में हो जाता है। व्हेन इट इज हैंगिंग, व्हेन इट इज लूज, देन इट इज कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो ओरिजिनल पार्ट से ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद ये अलोंग विद ब्लड एंड लिम्फ, या फिर हम लिखेंगे इट इज बाय बॉडी फ्लूइड, विद द हेल्प ऑफ बॉडी फ्लूइड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और इसीलिए देखिए प्राइमरी स्टेज में अगर कोई भी कैंसर पता लगता है तो उसको शायद क्यूरेबल कंडीशन में हम रख सकते हैं, लेकिन एक बार उसकी स्प्रेडिंग शुरू हो गई, एक बार उसका स्प्रेडिंग रेट अगर बढ़ गया, एक बार उसका मेटास्टेसिस का प्रोसेस अगर शुरू हो गया, तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि जहां पे फ्लूइड मटेरियल स्प्रेड करते जाएंगे वहां पे एक ट्यूमर से दूसरा ट्यूमर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से मल्टीपल नंबर्स में ट्यूमर्स का फॉर्मेशन वो बॉडी के अंदर करते जाएगा। तो आप ये बेसिक 2-3 डिफरेंसेस ध्यान में रखना है, एक तो नॉन मैलिग्नेंट या फिर बिनाइन, ये हार्मलेस होता है मोस्टली, ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, दिस इज मोस्टली हार्मफुल और फैटल। अभी ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे जो बिनाइन ट्यूमर्स है या फिर जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है वो कहीं ना कहीं आपको नॉन मैलिग्नेंट होते हुए जो कोई डेंजरस नहीं होते। बहुत सारी ऐसी जगह पे देखेंगे आप जहां पे बिनाइन ट्यूमर तो पाया जाता है,
लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे यहाँ पे हार्मलेस में कौन सा ऐड करेंगे हम यहाँ पे, तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रेन ट्यूमर। नाम सुने होंगे आपने ब्रेन ट्यूमर में एक्चुअली होता क्या है, हमारा ब्रेन है ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेन है और ऊपर में इसका स्कल होता है, आप लोगों ने डायग्राम तो पढ़े होंगे, स्कल और ब्रेन, स्कल को प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, लेकिन बाय चांस यहाँ पे अगर सराउंडिंग टिश्यू में कहीं पे ट्यूमर ग्रो होना शुरू हो गया, ट्यूमर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो ये क्या करता है, ट्यूमर तो ऊपर बढ़ नहीं सकता इसलिए वो नीचे की तरफ प्रेस करने लगता है, और जैसे जैसे वो प्रेस करने लगेगा, जैसे उसका प्रेसिंग स्टार्ट होगा, तो हमारे ब्रेन के उस एरिया के ऊपर कहीं ना कहीं हमको हार्मफुल इफेक्ट होते हुए दिख सकता है। तो ये एक आपने कंडीशन ध्यान में रखना है, खास करके ग्लैंड्स में भी वही होता है, एडेनोमास करके टाइप आगे आपको पढ़ना है। तो ब्रेन ट्यूमर सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ ध्यान में रखिए कि जो बिनाइन होते हुए नॉन मैलिग्नेंट होते हुए भी कहीं ना कहीं वो हार्मलेस कंडीशन में सॉरी हार्मफुल होता है, लेकिन बाकी कैंसर में अगर देखेंगे फिर लंग कैंसर, ओरल कैंसर, माउथ कैंसर बोल दीजिए, या फिर आप बोलेंगे तो स्पेशली स्टमक से रिलेटेड बोल दीजिए, ब्रेस्ट कैंसर बोल दीजिए, सर्वाइकल कैंसर बोल दीजिए, सभी के सभी हार्मफुल है, डेंजरस है, जो मोस्ट डिसीजेस में इंक्लूडेड होता है। ये डिफरेंस समझ में आ गया, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हाउ ट्यूमर विल शिफ्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कोई भी ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे स्प्रेड होता है, तो ट्रांसमिशन लिख लीजिए हम, इन द सेंस स्प्रेडिंग और मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कैसे होता है देखो, सपोज दिस इज द ओरिजिनल ट्यूमर ठीक है, ये ट्यूमर अभी स्प्रेड होने के लिए रेडी है, इसका मेटास्टेसिस कैसे होगा, ओरिजिनल ट्यूमर किसी एक बॉडी पार्ट के साथ कनेक्टेड है, यहां से कुछ पार्ट जो है वो डिटैच हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद में इतने सेल्स यहाँ पे ग्रो होते जाएंगे, और इनमें आप खासियत क्या देखोगे, एक स्पेशल एबिलिटी जनरेट होती है, दिस कैन रिलीज और सिंथेसाइज एंजियो जेनिक फैक्टर। आपने समझ लिए होंगे एनजीओ है इसका मतलब क्या होगा, ब्लड वेसल्स, तो इन सेल्स में स्पेशल एबिलिटी क्या होती है कि ये जब एक साइड से डिस्टर्ब होने के बाद, ब्रेक होने के बाद या फिर डिटैच होने के बाद जब दूसरे साइड के साथ जाएंगे या फिर दूसरे साइड की तरफ जाएंगे थ्रू ब्लड और यू कैन कंसिडर द लिम्फ, किसी के भी थ्रू जा सकता है ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एंजियोजेनिक फैक्टर्स को रिलीज करेंगे, जिससे ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे लिखते तौर पे तो न्यू ब्लड वेसल्स ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि ये नए वाले ब्लड वेसल्स के साथ में अगर जनरेट हो गए या फिर इनका कॉन्टैक्ट अगर नए ब्लड वेसल्स के साथ हो गया तो क्या होगा, सर्कुलेशन का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, सर्कुलेशन जैसे ही कॉन्टैक्ट में आ जाता है सडनली इनको रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड शुरू हो जाता है बाकी पार्ट की तरह, और फिर से हम देखेंगे इनकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, फिर हम क्या देखेंगे ये फिर से डिटैच होगा, फिर से इसका मेटास्टेसिस होगा, फिर से दूसरे जगह मिल जाएगा, फिर से नए ब्लड वेसल्स बनेंगे, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और कंटिन्यूसली ये स्प्रेडिंग अपना दिखाते जाएगा। तो स्पेशली आप लोगों को क्या कंसिडर करना है यहाँ पे कि कैंसर के लिए जो स्प्रेडिंग है उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं, और ये पॉसिबल क्यों है क्योंकि उनमें एंजियोजेनिक फैक्टर्स रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, नॉर्मल माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उन सेल्स में ये कैपेसिटी जनरेट की जाती है और फाइनली नए नए ट्यूमर्स का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में स्प्रेड होने लगता है। तो ये सब प्रिलिमिनरी आइडिया थी जो आपको कैंसर के बारे में समझने के लिए जरूरी थी, ये आप लोगों ने समझे भी होंगे, इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आपने पूछना है, उसको क्लैरिफाई करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है उसको ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट करना है। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट्स आते हैं तो उसको ऑब्वियसली आज नहीं तो कल या फिर परसों जब भी होता है आपको क्लियर करते जाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलने दीजिए। तो आज यहीं पे रुकते हैं, कल हम कैंसर के टिपिकल टॉपिक के ऊपर आते हैं, उसके डिटेल्स की तरफ आते हैं कि कैंसर के पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका स्प्रेडिंग कैसे होता है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, या फिर प्रिवेंशन क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे।